हेलो एवरीवन। तो अभी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी तो हमारे डाउन साइड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपन हुआ है, और ये हमारा लेवल जैसे मैंने निकाला ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक सारे लेवल्स को फाइंड आउट कर देता है रियल टाइम मार्केट में, ये जोन भी बना देगा। तो मेरे को इससे मार्केट में काम करना ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जा रहा है आज के समय में। कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी स्क्रिप्ट क्यों ना हो, हर एक तरह के मार्केट में ये काम कर रहा है। तो रूल अभी वही है, डाउन साइड रेजिस्टेंस लेवल पर अगर मार्केट आ रहा है मेरा लेवल रिवर्सल लेवल पर, तो मेरा जो प्लानिंग रहता है ना वो सी सेल करने का ही रहता है। या तो मार्केट डाउन साइड रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ गिरे, अगर न्यूट्रल लेवल पाएगा तो यहाँ से मैं पुट सेल करने का ट्राई कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी को, तो मैं फिन निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। आप कोई सा भी स्क्रिप्ट ले लो, ये वर्क बहुत बढ़िया कर रहा है। इससे ना इससे घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है। जो लेवल निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और लेवल पर ही मार्केट मैक्सिमम टाइम काम करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो, मार्केट में काम करने के लिए तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला समझो, पहला होता है इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि लेवल नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, कौन से लेवल बाई करना है, कौन से लेवल पर सेल करना है। उसके बाद व्यू। अब देखो, अगर मुझे लेवल पता है कि हमारा डाउन साइड रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर मेरा व्यू तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है कि मुझे सी को सेल करना है। ठीक है, ये मेरा व्यू है। अगर यहीं पर न्यूट्रल लेवल पाएगा तो मेरा पी सेल करने का व्यू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल भी रेडी हो जा रहा है, व्यू भी रेडी हो जा रहा है। बस अब एक ही चीज़ की वेट करनी है, एंट्री की। एंट्री कब मिल रही है? जब भी परफेक्ट एंट्री मिलेगी एज पर रूल हमारे, तो हम तुरंत एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 80 से 70% मेरा काम ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अभी बाकी वेट करते हैं, देखते हैं, कुछ मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा आपके सामने। पर आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे कितना बढ़िया डाउन साइड रिवर्सल लेवल से ही डाउन का मूवमेंट दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन मार्केट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है, बट हमने कोई एंट्री नहीं करी हुई है। क्योंकि देखो, लेवल्स का काम है लेवल बताना कि मार्केट में कहाँ पर सेलर ज़्यादा हैं, बायर्स कहाँ हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया मार्केट ने काम किया, बट अभी भी मुझे ना कोई छोटे एसएल के साथ एंट्री करने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो जैसे मुझे कोई मौका मिलता है ना, दिन मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूट्रल लेवल पर मार्केट आ गया। तो मैंने आपको क्या बता रखा था, पहले बता रखा था कि अगर मार्केट न्यूट्रल लेवल पर आता है, दिन में क्या कर सकता हूँ, दिन में अब पुट बेचने का भी प्लान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे न्यूट्रल लेवल पर आ गया। तो मार्केट देखो, डाउन साइड रिवर्सल लेवल से चला, मार्केट न्यूट्रल लेवल का टारगेट दे दिया, काम खत्म हो गए, लेकिन हमने एंट्री नहीं करी हुई है। तो मैं एंट्री आप इधर के आसपास भी कर सकता हूँ, और इसमें मैं पुट भी बेच सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो आप, मार्केट न्यूट्रल लेवल पर, अपसाइड रिवर्सल लेवल पर आया एंड सडनली ऊपर भी जाने लगा। बस बस, जल्दी से मैं ट्रेड लेता हूँ यार। सिट, मार्केट ना बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, लगता है ऑर्डर लेते लेते ही कहीं बहुत बड़ा वो मूवमेंट ना दे दे। जल्दी 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 करता हूँ, पुट बेचना है, बास्केट मोड, एटीएम का बेच देता हूँ, दूर का ये इसको बाय कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यार क्या होता है। सिंपली अब चलता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ। मार्केट ने बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दे दिया, देख सकते हो ऑर्डर लग गए हैं। ठीक है, 5,000 का नुकसान दिखा रहा है, ट्रेड लेते ही नुकसान भाई, गजब। ऑर्डर हिस्ट्री भी देख लो, ठीक है, मार्जिन भी देख लो, कुछ लोग मार्जिन वाले भी होते हैं। यही मार्जिन लगा है 17 लाख समथिंग का। हमने ट्रेड क्यों लिया पता है आपको? हमने ट्रेड इसलिए लिया है ताकि हमारे मार्केट को न्यूट्रल लेवल से अपसे जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, बॉटम में मार्केट को पकड़ रखा है, अभी वेट करते हैं। तो अभी देखो यार, अभी ना मुझे नुकसान दिखा रहा है 8-10 हज़ार रुपये का। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने बॉटम पकड़ के रखा हुआ है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मार्केट इस जोन के नीचे जाता है, देन मुझे मजबूरी में अपना एसएल काटना पड़ेगा, तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही हो, ठीक है, लेकिन हम अपने रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। डाउन साइड और से लेवल पर से एरिया से मार्केट अच्छा खासा डाउन गया, बट ये मूवमेंट हमने कैच नहीं कर पाया हुआ है। हमने इसका उल्टा अप साइड और से लेवल से अप जाने के मूवमेंट को कैच करने का ट्राई किया हुआ है। अब देखना ये है कि ये मार्केट में एंट्री बनती है, ये मुझे बन तो गई है, ये मुझे प्रॉफिट देता है या नुकसान देता है, ये मार्केट के ऊपर है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट है तो मुझे थोड़ा सा कम लॉस हो, बिकॉज आज के बाद हमने लॉट साइज ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, 50 लॉट साइज रखा हुआ है, तो मे बी आज जब लॉसेज भी अगर होंगे मुझे को, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लॉस हो सकता है, इसी का ध्यान रखना है। बट कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट तुम्हारे
अगेंस्ट जा चुका था, जिसमें मेरे को नुकसान हो चुका है 23,000 रुपये के आज के दिन पर। और एक मैं दोबारा से ट्रेड लेने का प्लान अब कर रहा हूँ, वो कौन सा ट्रेड मैं ले सकता हूँ वो मैं बैंक निफ्टी में ही लेने का मूड है मेरा। तो इस बार मैं कौन सा बेचूँगा, इस बार मैं पहले समझ लेता हूँ मार्केट में कौन सा एंट्री लेना सूटेबल मुझे दिख रहा है। चलो इस बार मैं इसको बेच देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बास्केट मोड, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इंदवनी बेचूँगा यार, ठीक है। ये इंदवनी बेच देता हूँ 235 रुपये वाला, और इसको बाई कर लेता हूँ, ठीक है। पिछली पहली बार भी हमने थोड़ा सा इंदमनी लगभग बचा था, काफ़ी महंगे प्रीमियम बेच रखे थे हमने, इसी वजह से थोड़ा सा लॉसेस भी मुझे बड़े देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। ये मैं लगा रखा है, चलो ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। यही सेम ट्रेड मैं लूँगा दोबारा से, पुटी बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं बेच रहा, ठीक है। 47,000 का, यहाँ से सिंपली रिव्यू ऑर्डर डन, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो ऑर्डर लग चुके हैं, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ से रिफ्रेश में कर देता हूँ बार बार आप लोगों को, ताकि आपको और ज़्यादा ईजी हो जाए थोड़ा सा। अब देखो ये हमारा ना लास्ट होने लगा है, पहले बार में मुझे 23,000 का चूना लग चुका है, और ये मेरा लास्ट फाइनल ट्रेड होगा आज। अगर इसमें भी लॉस हो गया ना तो मैं फिर आज कोई ट्रेड नहीं कर लूँगा। आज वो ट्रेड मैं इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि ना मुझे, मैंने लॉट्स ज़्यादा लिए हुए हैं, ठीक है, और मैंने इन दिन बेच रहा हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट भी होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आज के दिन पर। इसी के अपोजिट अगर नुकसान होगा तो मुझे थोड़ा सा नुकसान भी आज के दिन पर बड़ा देखने को मिल सकता है, देखते हैं क्या होता है। देखो जो हमने दोबारा एंट्री करी ना दोस्त, उसमें मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया 23,000 रुपये का, और मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ 5-10,000 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप समझो कि अब मैं कोई नुकसान नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस मान लो मेरे अगेंस्ट जाने का ट्राई करता है, तो मैं मान कर चलो कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो एक ट्रेड में मेरे को छोटे से चलेगा, ठीक है, वो भी इतना बड़ा लॉस मेरे को जानते हो नहीं होता। रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने आज ना इंदमनी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इंदमनी स्टॉक बेच रखे थे पहले बार भी थोड़ा बहुत, दोबारा भी देखो जितना का लॉस था ना उतना सब रिकवर हो गया, और उतना लगभग मुझे प्रॉफिट भी चल रहा था। क्योंकि समझ जाओ कि अब मैं कोई नुकसान नहीं लेने वाला हूँ। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाएगा ना तो मैं छोटा मोटा ही सही अब ट्राई करूँगा कि प्रॉफिट ले करके निकलूँ, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई एक बार अगर मुझे प्रॉफिट दिख जाते हैं ना, तो फिर मैं दोबारा लॉस में पोजीशन ना काटने के लिए रेडी रहता हूँ। क्यों, देखो ऐसा क्यों होता है, पहले सीधे को समझो। हमने बॉटम पकड़ ली, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। पहले सर मेरा यहाँ था, देन फिर एसएल मेरा यहाँ हो गया, फिर मेरा एसएल यहाँ हो गया, मार्केट वगैरह ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस इधर के आसपास होता जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं ना अपने स्टॉप लॉस को छोटा 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 करता हो जाता हूँ, ठीक है। जिससे मेरे को अगर एक बार प्रॉफिट मार्केट में दिख गया, देन मुझे कोई दोबारा नुकसान का मुँह नहीं देखना पड़ता। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और आज है एक्सपायरी डे, और हमने जो बेच रखा है वो आप देख सकते हो, हमने बेच रखा है 47,000 का पुट। मार्केट चल कहाँ पर रहा है, मार्केट चल रहा है 46,800 के आसपास। अगर देखो अगर मार्केट ये 47,000 का लेवल है ना, 47,000 के ऊपर अगर जाएगा तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, जितना ये प्रीमियम मैंने बेच रखा है, ठीक है। और 261 रुपये का प्रीमियम बेच रखा है, मतलब अगर आप बात करोगे मेरे मेरे ब्रेक इवन की, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर ऊपर एक्सपायर होता है तो 261 रुपये का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और मुझे पूरा का पूरा मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर बात करूँगा ब्रेक इवन की, तो ब्रेक इवन हो जाएगा मेरा यहाँ से लगभग 250 पॉइंट नीचे, लगभग इधर के आसपास का, ठीक है। अभी देखो अभी प्रॉफिट बढ़ के 31,000 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। और एक ही समझ जाओ, अब मैं कोई नुकसान नहीं लेने वाला हूँ, इतना तो मैंने बता ही रखा है आपको। ये देख लो, ये लगभग इधर के आसपास का मेरा ना ब्रेक इवन होगा, 2740 मान लो 50 ही कर लेता हूँ इधर के आसपास, मतलब ये जो है ना इसको रेड कर देता हूँ। इस रेड लाइन के नीचे अगर एक्सपायर होगा मार्केट, तब मुझे नुकसान होगा, और इस ब्लैक लाइन के ऊपर हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट मतलब मैक्स प्रॉफिट होगा अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर एक्सपायर होगा, और अगर इस रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में एक्सपायर होता है कहीं पर भी, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, छोटा मोटा ऐसे ही, लेकिन मेरे को प्रॉफिट में मैं निकलूंगा आज के दिन पर, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को पूरा समझ पा रहे होंगे। मैंने देखो एक ट्रेड लिया नुकसान हो गया, उसको काट दिया, दूसरा ट्रेड लिया सेम क्वांटिटी सेम ऑर्डर, और कहीं ना कहीं मेरा नुकसान भी कवर हो गया, और नुकसान से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, देखो जब
आपको ना सही नॉलेज अगर पता होगा, सही जगह पर पता होगा कहाँ पर आपको क्या करना है। और मैं देखो मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, मैं अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, चाहे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं केयर नहीं करता उसकी। यहाँ पर भी देखो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये मार्केट ने गिरा हुआ, लेकिन ये मोमेंट मुझे लगता है देखने में थोड़ा सा मिस हो गया, कोई इशू नहीं है, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर मिला, इसको हमने पकड़ रखा है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी की अगर बात करोगे तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इधर के आसपास शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि मार्केट अगर मेरे गेम जाए मैं छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के निकलूँ। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक मैं होल्ड करूँगा कि मार्केट मुझे और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दे दे, देखो क्या होता है। तो फाइनली आप देख सकते हो मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है और मेरा जो प्रॉफिट है ना वो आप देख सकते हो, यहाँ पर 60-70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मेरे को रनिंग चल रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट 70,000 के आसपास भी गया हुआ था, लेकिन अभी हमें वेट कर रहे हैं। अब देखो अब मार्केट कुछ भी कर देना, अभी देखो हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पर लगाया था, मार्केट उसके ऊपर से चल रहा है। अब मैं अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना वो कहीं ना कहीं कहाँ लगाऊंगा पता है आपको, इधर के आसपास लगा दूंगा, इधर के आसपास। मार्केट अगर नीचे जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं वेट करूँगा, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी प्रीमियम बचे हुए हैं, मैंने अपने प्रीमियम का 50-60% तो ऑलरेडी ले रखा है। जैसे देख सकते हो अभी आप यहाँ पर 60-70 हज़ार का प्रॉफिट मेरे को रनिंग चल रहा है, ठीक है, लॉसेज भी सब रिकवर हो गए, प्रॉफिट भी आ गया। कैसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने सही जगह पर सही डिसीजन लिया हुआ है। आई होप अब एक बार तो सोच पा रहे होगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट में भी आज बढ़िया पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज हमने ना इन द मनी बेच रखा है, ठीक है। और अगर इन द मनी बेचूंगा तो देखो रिस्क तो ज़्यादा लिया है हमने, अगर मैं रिस्क ज़्यादा लूँगा तो मेरे को रिवार्ड भी बेटर मिलेंगे, ठीक है। आई होप अब एक बार तो सोच पा रहे होंगे। अभी जो हमने बाद में बेचा ना उसमें मेरे को लगभग 90 हज़ार का प्रॉफिट चला, लेकिन ओवरऑल लॉस को एडजस्ट करने के बाद 65,000 का प्रॉफिट मेरे को रनिंग की बात कर रहा हूँ चल रहा है, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब एक चीज़ तो फिक्स है, मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, मुझे कुछ लॉस होने वाला ही नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हो अभी समय बजे लगभग 2:30 बज चुके हैं, ठीक है, और मार्केट भी बंद ही होने वाला है कुछ तो 1 घंटे के अंदर। हमने अपने पोर्शन को स्क्वायर अप करके रखा हो, जिसमें आज मैंने 67,000 का प्रॉफिट किया हुआ है। इस समय मैंने 50 लॉट बचे थे 47,000 के, जिसमें मेरे को 92,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसके पहले मुझे लॉस हो रखा था। ये एडजस्ट करने के बाद मुझे ओवरऑल 67,000 का प्रॉफिट मुझे आज हुआ है। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफर कर दूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा ईजी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो 67,000 का प्रॉफिट हमने टोटल किया हुआ है। अगर अभी की ही बात करोगे मार्केट में, तो देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले चीज़ों को समझने का ट्राई करो। देखो हमने क्या किया, हमने किधर के आसपास एंट्री बनाई थी अपनी, इधर के आसपास एक एंट्री बनाई जिसमें मेरे को लॉस हो गया। और मैंने आप लोगों को रनिंग मार्केट में बताया रखा था कि मार्केट में एक चीज़ है आपके हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है कि लॉस को कम से कम देने का। लेकिन आज हमने थोड़ा सा लिटिल बिट इन द मनी महंगे वाले प्रीमियम रखे थे, जिसके वजह से मेरे को 23,000 रुपये का फटका लग चुका। कोई बात नहीं, मुझे सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली बॉटम के आसपास, हमने बॉटम पकड़ लिया सेकेंड अपॉर्चुनिटी में। एंड बॉटम पकड़ने बाद मार्केट जब यहाँ से वहाँ तक गया था तो लगभग मेरे को 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन लॉस एडजस्ट करने के बाद मुझे लगभग 70-72,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर एकदम टॉप पे पहुँचा। बट हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट करके गया हुआ था, जिसकी वजह से जब मार्केट वहाँ से अगेंस्ट जाने लगा तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना बेटर समझा। इसके वजह से मुझे आज टोटल लगभग 67,000 का प्रॉफिट हुआ। हमने कहने की क्या था, हमने पोजीशन को बुक कर लिया। क्यों, देखो बुक करने के 2-3 रीज़न थे। रीज़न क्या था कि अगर नीचे से जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, ये 47,000 का राउंड फिगर नंबर एरिया थे, तो यहाँ से मार्केट में भी रिजेक्शन ले सकता था। और वैसा ही मार्केट ने, जैसा कि मेरा मानना था वैसा ही किया भी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट भले ही हमारे अगेंस्ट अभी चल रहा है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी तक भी रुका होता ना अगर बॉटम पकड़ने के बाद, तो मुझे प्रॉफिट होता अभी भी। रीज़न क्या था, क्योंकि देखो मार्केट हमारे ना ये ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतने ही पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट होता। लेकिन मैं आज आपको साफ साफ बता देता हूँ, आज का जो थोड़ा ट्रेड था ना मेरा, आज का ट्रेड लिटिल बिट मोर रिस्की था, इसलिए मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और मार्केट का सिंपल सा फंडा, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर, एज अगर आप मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको देखो इस तरह से इन द मनी वगैरह में काम नहीं करना है। मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही 50,000 से भी ऑप्शन चले करके दिखाया हुआ कैसे आप कर सकते हो, ऑल्सो 1 लाख से भी चले लिया, तो वो सब आप स्मॉल प्रॉफिट वाले स्मॉल चैनल वाले वीडियो अगर देखोगे ना, तो आपको एक लाइव लर्निंग का लेसन मिल सकता है। और ये सारे लेवल्स कैसे निकलते हैं, कैसे निकाले, ये सब का सब मैंने MTP 2.0 वाले कोर्स के स्टूडेंट को डिटेल में सिखा रखा है। यहाँ पर एंट्री क्योंकि ये सारा का सारा मैंने MTP 2.0 में डिस्कस कर रखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।